वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, दिस इज कार्टफिस फंडा। सो आज हम डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज के बारे में, और ये न्यूज कवर करेगी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। अप्रैल का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है सेकेंड वीक का, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज बची हुई है। सो नाउ लेट्स डिस्कस। सुपर कंप्यूटर परम कंचनजंगा अनवील्ड एट एनआईटी सिक्किम। एनआईटी सिक्किम में कंचन गंगा जो सुपर कंप्यूटर परम है उसको वहां पर दिखाया गया। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी हैज अनवील्ड द सुपर कंप्यूटर परम कंचन गंगा। एनआईटी सिक्किम इज सेड टू बी द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट अमॉन्ग ऑल द 31st नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। The supercomputer named Param Kanchanganga was formally unveiled Sikkim's governor Srinivas Patil and NIT Sikkim campus at Ravangala in South Sikkim district. तो आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ का जो सुपर कंप्यूटर है अभी रिसेंटली जिसका लॉन्चिंग हुई है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है परम। परम की बात आती है, परम सीरीज के सारे सुपर कंप्यूटर इंडिया में ही बने हुए हैं। और अगर बात आती है तिहाने TIAHNE, तो ये चाइना का है। ठीक है, इंडिया के पास में सुपर कंप्यूटर है वो परम सीरीज का है, और चाइना के पास में तिहाने सीरीज का है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एनआईटी सिक्किम में परम कंचन जंगा के नाम से इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, और ये बनाया है सीडेक और एनआईटी सिक्किम इनकी कोलैबोरेशन से, जॉइंटली दोनों का वेंचर है। ठीक है, नाउ लेट्स फ्रेंड्स डिस्कस ऑबिचुरीज हियर। कुछ ऑबिचुरीज के बारे में बात करते हैं। ऑबिचुरीज दैट मींस कि जो लोग अभी रिसेंटली पास हुए हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मर मेलियन फोटोग्राफर मेलिक सिडबे पास्ड अवे। अभी रिसेंटली ये जो है मेलियन फोटोग्राफर है मेलिक सिडबे, इनकी अभी डेथ हो चुकी है। इन्होंने बहुत अवार्ड्स जीते हैं। The award-winning Malian photographer Malik Sidbe has passed away. ये 80 साल के थे, और ये जाने किस लिए आते हैं? Was known for his black and white studio portraits. और black and white फोटो खींचने में इनको महारत हासिल थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट स्टूडियो पोर्ट्रेट्स के लिए कौन फेमस थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है? तो इनका नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, दैट कैप्चर द लिविंग ऑफ यंग मलियंस इन 1960 1970। इस 1960 और 1970 की सदी में इनका बहुत बड़ा नाम था। वुमेन बाइकर बीनू पलिवल डाइड एट अ रोड एक्सीडेंट। ये वुमेन बाइकर है, इनका अभी एक्सीडेंट रिसेंटली हुआ है। बीनू पालीवल इनका नाम है, और ये एक रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। फॉर्मर इंडियन वुमेन बाइकर बीनू पालीवल हैज डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में इनका रोड एक्सीडेंट हुआ। ये 44 साल की थी। द एक्सीडेंट टुक प्लेस व्हेन सी वाज ऑन एन नेशनल वाइड टूर ऑन द हार्ले डेविडसन। ये हार्ले डेविडसन गाड़ी पर जा रही थी और एक नेशनल वाइड टूर था। ठीक है, और उस ऑन टूर में इनका डेथ हुई। सी वाज द बे ऑन जयपुर फ्रॉम लखनऊ। सी वॉज नोन फॉर हर स्किल्स विद द मोटरसाइकिल एंड ड्रिवन द हार्ले डेविडसन बाइक्स एट 180। इन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाने का हार्ले डेविडसन को, और बाइकर्स के रूप में इनका बहुत बड़ा नाम अपने आप में है, और इसी ख्याति के कारण इनको लेडी ऑफ द हार्ले, लेडी ऑफ द हार्ले 2016 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मर एम पी सी सिलिवेरा पास्ड अवे। ठीक है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिस्टर सी सिलिवेरा। देखिए, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो रह चुके हैं, काफी एमिनेंट हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वहां से भी क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये है फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सी सिलिवेरा। अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, और ये स्टेट में मंत्री भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, और ये इनकी डेथ जो हुई है मिजोरम में हुई, और ये 81 वर्षीय थे। ही सर्वाइव बाय लाइफ लाला मुंजली एंड थ्री सन्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स स्पोर्ट्स की न्यूज के बारे में। कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज की बात कर ली जाए।
सेरेना विलियम्स मेंटेन्स टॉप स्पॉट WTA रैंकिंग्स। सेरेना विलियम्स ने WTA रैंकिंग्स में, ये US की खिलाड़ी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इनकी सिस्टर है बीनस विलियम्स, वो भी सेम स्पोर्ट्स खेलती हैं। ठीक है, तो इन्होंने WTA जो रैंकिंग्स होती है उसमें टॉप नंबर पर अभी चल रही हैं। अगर हम सेरेना की बात की जाए तो ये 1981 में बॉर्न हुई हैं और मिशिगन में। सेरेना विलियम्स बिगिन इंटेंसिव टेनिस ट्रेनिंग एट द एज 3। सी वॉन आर फर्स्ट मेजर चैंपियनशिप इन 1999 एंड कम्प्लीटेड द कैरियर ग्रैंड स्लैम इन 2003। ठीक है, इन्होंने उपलब्धियां बहुत जल्दी हासिल की। हर विक्ट्री एट विंबलडन 2015 मेड हर द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन इन द ओपन एरिया। ठीक है, तो ये इनके कुछ बड़े खिताब रहे। डेनी विलेट वॉन US मास्टर्स गोल्फ 2016 चैंपियनशिप अवार्ड। तो ये है डेनी विलेट, इनको US मास्टर्स गोल्फ 2016 का चैंपियनशिप अवार्ड के नाम से नवाजा गया। और ये इनकी बात करते हैं, डेनी विलेट हैज वॉन द US मास्टर्स गोल्फ चैंपियनशिप फॉर द ईयर 2016। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 2016 का US मास्टर्स गोल्फ चैंपियनशिप किसको दिया गया, तो ये दिया गया डेनी विलेट को एट अगस्ता नेशनल गोल्फ क्लब इन अगस्ता जॉर्जिया। विद दिस ही हैज बिकम द फर्स्ट ब्रिटन टू विन द US मास्टर्स सिंस निक फेलेडो इन 1996। तो ये अगर हम बात की जाए ब्रिटेन मेंबर्स रहते हुए, तो ये US के मास्टर्स जीतने वाले पहले ब्रिटेन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करी जाए, ही ग्रैब्ड द टाइटल आफ्टर डिफीटिंग चैंपियन जॉर्डन स्पाइथ। जॉर्डन स्पाइथ को इन्होंने हरा कर ये खिताब जीता। सचिन बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्किल इंडिया। देखिए, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न ऑलरेडी इनको मिल चुका है और काफी इमिनेंट क्रिकेटर रह चुके हैं, इसलिए इनको स्किल इंडिया, जो हमारे यहाँ पर एक इनिशिएटिव चल रहा है, मेक इन इंडिया का ही एक पार्ट है, स्किल इंडिया स्टैंड अप इंडिया, मतलब कि लोगों में रोजगार पैदा करना, दैट इज कॉल्ड द स्किल इंडिया, जिनमें स्किल्स है उनको आगे लाना, एंटरप्रेन्योरशिप तक उनको बनाना। तो ये प्रोग्राम के कौन बनाए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर, और ये स्किल इंडिया प्रोग्राम आता है मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, MSDE के अंदर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्किल इंडिया कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर इसको बनाया, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, और MSDE ये डिपार्टमेंट है और इसके जो मिनिस्टर है वो है राजीव प्रताप रूडी। एंथोनी जोशिया वॉन इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल। एंथोनी जोशिया को इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल इन्होंने जीत लिया है। और अगर कुछ और इंफॉर्मेशन की बात की जाए, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन IBF इज वन ऑफ द 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द IBHOF व्हिच सैंक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग बाउट्स। ठीक है, ये जो है बॉक्सिंग को रेगुलेट करता है और IBF इज प्रेसिडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स बॉक्सिंग एसोसिएशन। अगर हम बात की जाए तो इसका फॉर्मेशन 1983 में हुआ और हेडक्वार्टर्स इसका है USA में और प्रेसिडेंट इसके कौन है, डेली पीपल्स। ठीक है, तो अभी रिसेंटली किसने जीता है ये आपको याद रखना है, ये है इन पर्सन का नेम जिनका नाम है एंथोनी जोशुआ, इन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल जो है वो अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और ये हुआ कहां पर था, ये लंदन में हुआ था। ठीक है, ली चोंग वाई हैज वॉन मलेशियन ओपन 2016। इनका नाम है, नाम थोड़ा सा अजीब है तो इसको नोट डाउन करते चलें, ली चोंग वाई, इन्होंने जीत लिया है मलेशियन ओपन 2016 का खिताब। और मलेशिया के ये बैडमिंटन के मास्टर हैं, बैडमिंटन मास्टरियो ली चोंग वाई हैज डिफीटेड चाइनास चेंग लॉन्ग टू विन मलेशियन ओपन 2016। ठीक है, तो जहां पर ओपन वर्ल्ड लगा होता है वहां पर मोस्ट ऑफ ये जो है बैडमिंटन से रिलेट ही करता है। ठीक है, तो इनको, इन्होंने चाइना के नंबर वन जो है उनको हरा दिया है, तो यहां से आप इनको नाम नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया टीम्स क्लिंच एशियन खो खो चैंपियनशिप टाइटल। भारतीय टीम ने जो एशियन खो खो चैंपियनशिप है उसमें उसको, उसका चैंपियन भारत बना है, उसको जीत लिया है। इंडियाज मैन एंड वुमेन टीम्स हैव वॉन बोथ
द कैटेगरीज चैंपियन। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है कि मैन टीम और वुमेन टीम दोनों ने खो खो में इतिहास रचा। ओके तो क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि अभी रिसेंटली एशियन खो खो चैंपियनशिप टाइटल जो है वो किसने जीता, तो वो जीता है भारत ने, मैन का पूछा जाए या वुमेन का जीता जाए, दोनों में। इन बोथ द फाइनल द हॉस्ट स्कोर्स विक्ट्री अगेंस्ट बांग्लादेश टीम्स। ठीक है, बांग्लादेश टीम के अगेंस्ट में हमने दोनों जगह विक्ट्री ली। और ये कहां पर हुआ था, स्टेडियम में, इंदौर स्टेडियम में ये खेला गया था। ठीक है, एसएस चौरसिया विंस हिल्टन एशियन टूर गोल्फर ऑफ द मंथ। ठीक है, ये भारत के हैं, इनका नाम है एसएस चौरसिया, मतलब कि शंकर प्रसाद चौरसिया। ठीक है, एसएस चौरसिया, शंकर प्रसाद चौरसिया, और इनको हिल्टन एशियन टूर गोल्फर का अवार्ड दिया गया है ऑफ द मंथ का। हु ऑनर्ड एज अ हिल्टन एशियन टूर गोल्फर ऑफ द मंथ फॉर मार्च मंथ 2016 सेंटोसिया सिंगापुर में ये अवार्ड इनको दिया गया। तो क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि एसएस चौरसिया है वो किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं। तो देखिए ऐसे नाम हैं, इनको हमें जब तक हम न्यूज पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें नहीं समझ में आएगा। तो ये हमारे गोल्फर हैं, गोल्फ से रिलेट करते हैं, फाइन। अब फ्रेंड्स कुछ बात करते हैं अवार्ड्स और प्राइजेस की। आइए कुछ अवार्ड्स की बात की जाए। प्रदर्शनी चटर्जी को एफ वीवी मिस इंडिया वर्ल्ड 2016 का अवार्ड दिया गया। तो देखिए प्रदर्शनी चटर्जी ये दिल्ली बेस्ड एक लड़की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। बाज अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ एफ वीवी फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2016 एट 53rd एडिशन ऑफ द फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेगेंट हेल्ड इन मुंबई। ये मुंबई में अवार्ड दिया गया और फेमिना, इसका नाम है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2016, ये अवार्ड है बेसिकली, और ये दिया गया प्रदर्शनी चटर्जी को, कहां पर, मुंबई में। तो क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि प्रदर्शनी चटर्जी कहां से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं दिल्ली से, और मुंबई में इनको एफ वीवी मिस इंडिया वर्ल्ड 2016 के अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, ये इनकी कुछ डिटेल है जिसको हम स्किप भी कर सकते हैं, ओके, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने की संभावना वहीं से रहेगी। प्रियंका चोपड़ा टू बी अवार्डेड विद दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड 2016। देखिए प्रियंका चोपड़ा बहुत इमिनेंट है, इनका एक शो भी आया था यूएस में, उसका नाम क्या था, क्वांटिको। ठीक है, तो वहां से इन्होंने बहुत हॉलीवुड में कदम रखा और अब इनकी मूवीज भी आने वाली हैं और काफी फेमस हो चुकी हैं वहां से। तो इनको दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ठीक है, इनके लिए ये अवार्ड का नॉमिनेशन हो चुका है। दैट प्रियंका चोपड़ा टू बी कन्फेयर्ड विद दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड 2016 इन बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर कैटेगरी। जो सबसे बेस्ट एक्ट्रेस होती है उस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और इस अवार्ड के बारे में बात की जाए, दिस वुड बी प्रियंका सेकेंड अवार्ड फिल्म द फाउंडेशन आफ्टर सी रिसीव्ड हर फर्स्ट अवार्ड ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस फॉर 2011। 2011 में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, इस वजह से इनको मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया विद फिल्म सात खून माफ में। ऑन द ओकेजन ऑफ 147th दादा साहेब फाल्के जयंती इन मुंबई ऑन अप्रैल 24th द 33 ओल्ड एक्ट्रेस बैग्ड द अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन द बॉलीवुड मूवी बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मूवी में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इस वजह से इनको दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा, देखिए फ्रेंड्स कंफ्यूजन मत करिएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड अलग है और दादा साहब फिल्म फाउंडेशन अवार्ड अलग है। तो दादा साहब फिल्म फाउंडेशन अवार्ड की बात की जाए तो ये अवार्ड जो है बेसिकली दिया गया प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, और ये इनकी एक मूवी है सात खून माफ में भी इन्होंने काम किया था और इसमें इनको मोस्ट मेमोरेबल अवार्ड दिया गया था, मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात की जाए कि अभी रिसेंटली इनको दादा साहब मेमोरियल जो अवार्ड दिया गया है, तो ये फ्रेंड्स इनकी एक मूवी अभी रिसेंटली आई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें इन्होंने किरदार निभाया था, इस वजह से इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, फाइन।
ये अवार्ड्स 1969 से देना स्टार्ट हुआ था. फर्स्ट अवार्ड इज दैट वाज द 1969. टोटल अभी तक 47 अवार्ड दिए जा चुके हैं और पहली अवार्डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है देविका रानी जी. ठीक है, तो पहली अवार्डी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली अवार्डी कौन है, ये है देविका रानी जी. और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आता है दादा साहब फाल्के अवार्ड ये किसको दिया गया, ये दिया गया मनोज कुमार को. ठीक है, तो ये न्यूज मैं पहले डिकोड कर चुका हूं, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर आपको एक बार और बता दिया. यूनेस्को गुलमेनो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2016 रिसीव्ड बाय द खाडिजा इस्माइल जियो. ठीक है, इनको ये यूनाइटेड नेशंस का एक अवार्ड होता है, इसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2016. और एक ये जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि प्रेस से रिलेटेड अगर अवार्ड मिल रहा है फ्रीडम ऑफ द प्रेस, तो अजरबैजान की जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है खाडिजा, इनको ये अवार्ड देने के लिए नॉमिनेट किया गया है. ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है यूनेस्को का एक अवार्ड है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2016, तो ये अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया गया अजरबैजान की खाडिजा, एक जर्नलिस्ट है और इनको ये अवार्ड दिया गया. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स पद्म अवार्ड्स टू 56 एमिनेंट पर्सनालिटीज. मैंने पद्म अवार्ड्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च करिए, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, स्टैटिक जीके में मैंने डाल रखा है उसको. ठीक है, और अगर बात की जाए इमिनेंट की, तो पद्म अवार्ड्स में अभी रजनीकांत जी को दिया गया था. ठीक है, और बहुत सारे लोगों को मिला है. टुडे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज प्रेजेंटेड द पद्म अवार्ड टू द रिमेनिंग 56 एमिनेंट पर्सनालिटीज. जो दिग्गज हस्तियां हैं 56, उनको ये अवार्ड दिए गए और राष्ट्रपति भवन राय हसीना हिल्स में जो है वहां पर ये अवार्ड दिए गए. द नेम ऑफ द रिसिपियंट्स हु वर ऑनर्ड विद पद्म विभूषण, सुपरस्टार रजनीकांत, क्लासिकल सिंगर डॉक्टर गिरिजा देवी और जर्नलिस्ट रामोजी राव, इन लोगों को ये अवार्ड दिए गए. और उदित नारायण, टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, इन लोगों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है और जिनको पद्म भूषण की उपाधि दी गई. और एक्टर प्रियंका चोपड़ा और राइटर धीरेन्द्र नाथ बेजुबार, इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पद्म श्री किसको मिला, पद्म विभूषण किसको मिला. ये पूरी लिस्ट मेरे फेसबुक पेज पर भी पड़ी हुई है और यहां पर मैं इसको रिसेंटली और एक बार पोस्ट कर दूंगा. ठीक है, तो आप वहां से भी इस लिस्ट को नोट डाउन कर सकते हैं, यहां से भी आप इस लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा. आईआईटी खड़गपुर विंस टॉप अवार्ड फॉर द पेटेंट्स. सबसे ज्यादा पेटेंट्स के लिए टॉप अवार्ड किसको मिला है, आईआईटी खड़गपुर के लिए. आईआईटी खड़गपुर हैज वॉन एन अवार्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर बीइंग द टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूट फॉर द पेटेंट्स इन 2016. ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो ये आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इज अ पब्लिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन Established by the government of India in 1951, 1951 में बनाया गया. और it was the first of the IITs to be established. ये पहला IIT की शुरुआत जो है IIT खड़गपुर से ही हुई. ठीक है, IIT खड़गपुर के डायरेक्टर हैं पर्थ प्रतिम चक्रवर्ती और IIT खड़गपुर के चेयरमैन कौन है, श्री कुमार बेनर्जी. तो ये हैं डायरेक्टर और ये हैं वहां के चेयरमैन. नेक्स्ट बात करते हैं, ऐश्वर्य राय वॉन ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड. ठीक है, ऐश्वर्य राय अभिषेक बच्चन की जो वाइफ है, इनको अवार्ड दिया गया ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड. ठीक है, सी वॉज ऑनर्ड एट NRI ऑफ द ईयर अवार्ड फंक्शन हेल्ड इन मुंबई. ठीक है, द NRI ऑफ द ईयर अवार्ड रिकॉग्नाइज, इस अवार्ड्स को हम कहते हैं NRI ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड भी इसको हम कहते हैं. ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आता है तो आपको ऐश्वर्या राय ही चूज करना है. नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल जे सिंह, इनको हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर का अवार्ड दिया गया. ठीक है, ये हमारे यहाँ के आर्मी चीफ रह चुके हैं, इनका नाम है जे सिंह. तो
फ्रेंच फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड होता है वो दिया गया इनको, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसको हम कहते हैं ऑफिसर द ऑर्डने नेशनल डीगा डीला लीजन द ऑनर, मतलब इसका मतलब यही होता है ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ये पहले हमारे यहाँ के आर्मी रिटायर्ड चीफ रह चुके हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम है जोगिंदर जसवंत सिंह, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट बात की जाए, जम्मू बॉर्न पोएट पद्म सचदेव गेट सरस्वती सम्मान, ये जम्मू कश्मीर में पैदा हुई थी और इनको सरस्वती सम्मान दिया गया। वहां की एक कवित्री हैं, पोएट है, इनका नाम है पद्मा सचदेव, ठीक है, तो नाम जरूरी है, यहां से ही क्वेश्चन आएगा आपका। पद्मा सचदेव को जम्मू बेस्ड ये पोएट है और इनको राइट दिया गया, सरस्वती सम्मान के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी न्यूज़, और इस तरीके से हमने पहला पार्ट में टोटल डिस्कस किया था, और पार्ट टू इसके साथ हमारा वीक टू खत्म हो गया। वीक थ्री जल्दी से जल्दी लोड करेंगे, और एसबीआई के एग्जाम्स जैसे कि पीओ और क्लर्क दोनों के आ चुके हैं, ठीक है, तो इसके मेन सेक्शन में न्यूज़ जरूर देखी जाएंगी। तो आप ऐसा करिए, फरवरी से लेकर जो जिनका एग्जाम क्लर्क का है वो जनवरी से लेकर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, और पीओ के लिए फरवरी से लेकर न्यूज स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो कोई भी न्यूज छोड़े ना, वीकली अपडेट्स जरूर से जरूर पढ़ें और उसको नोट डाउन करें, ठीक है। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।